सुजानगढ़ जो नगर पालिका बोर्ड है, प्रतिपक्ष नेता जयसी जादी से हमारे साथ है। आज की पूरे इस कार्यक्रम की सबसे ओजस्वी भाषण और सबसे सहेती और दबंग आवाज में बोलने वाली नेत्री हमारे साथ है, जयसी जी से हम बातचीत करेंगे। ये पावर विधानसभा चुनाव में थोड़ा कम दिखा हमें, आज ज्यादा पावर था। क्या ये मन की पीड़ा जागृत हो रही है आपकी, जिस हिसाब से इतना दबंग भाषण आपने बोला, क्या कारण? मैं आपकी बात को यही कहना चाहूंगी, विधानसभा चुनाव में खून पसीना एक करके मेरे साथ मेरे सभी पार्षदों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने हमने बहुत मेहनत की है और वो दबंग आवाज से हमने जो है वोट मांगे हैं। और यकीनन जो लोग 40,000 की हार मान रहे थे, उनके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा लगा कि मात्र 2,000 के हार हमारे लिए जो हार नहीं मानी जाती है। और मैं तो कहूंगी कि जहां केंद्र में भाजपा सरकार और राज्य में भाजपा सरकार, तो हार हुई कहां, हमारी तो जीत हुई है और बहुत बड़ी जीत हुई है कि तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री की शपथ लिए हैं। तो कोई भी कार्य हमारे क्षेत्र का, हमारे कार्यकर्ताओं का नहीं रुकेगा, मुझे पूरा विश्वास है। विधानसभा चुनाव में हमारे चैनल ने कहा था 5,000 की हार जीत होगी और हमने लोहा भी मनवाया और लोगों ने कान भी पकड़े, क्योंकि बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। आज जो एक विशेष मुद्दे पर आपने बातचीत की कि छुरा भोंकने वालों को नहीं बचा जाएगा, किन लोगों की ओर इशारा है? देखिए, अभी राठौड़ साहब के अभिवादन में, अभी भाषण में आपने सुना ही होगा कि सुबह का भूला यदि शाम को घर आता है तो उसको भूला नहीं कहते। यदि ऐसे कोई भी व्यक्ति है जो अपनी गलती पर पछतावा कर रहे हैं और पधारे हैं तो उनका मोस्ट वेलकम है। लेकिन यदि किसी ने आज भी ये माना है कि हरा दिया और बहुत गद्दारी के उस लक्षण पर वो खुश हो रहे हैं, तो मैं उनको स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि ये गद्दारी आज आपने की है, कल आपके साथ होगी। जैसी करनी वैसी भरनी होती है, तो ज्यादा खुश ना हो। कार्यकर्ता जो पहले मजबूत था वो आज भी मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेगा। सुजानगढ़ जिला अब भाजपा के लोग बना सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है। क्रेडिट चाहे किसी को भी मिले, लेकिन क्या सुजानगढ़ जिला बन पाएगा? जी बिल्कुल, जिले की मांग ही सुजानगढ़ की जनता की पहली मांग रही है। उसके बारे में यही कहना चाहूंगी कि झूठी घोषणाएं कांग्रेस सरकार ने की थी, सिर्फ फूल उछाले थे कागज के और उन्होंने लोगों को भ्रमित करके वो जीत गए, लेकिन वास्तव में जिला उनको बनाना ही नहीं था। पर अब भजनलाल जी की भाजपा सरकार आई है और आपको बहुत खुशी होगी ये जानकर कि उन्होंने जो अपनी घोषणाएं की थी उसका 40-45% काम उन्होंने अभी से ही शुरू कर दिया है करना। तो जो सरकार इतनी स्पीड से काम कर रही है, तो जिला भी निश्चित तौर पर हमारा बनेगा। हाँ, इस कार्य में समय लग सकता है, लेकिन जरूर बनेगा। और हमारी यशस्वी जो विधायक प्रत्याशी हैं संतोष जी, उन्होंने पहली मांग, भजनलाल जी जब शपथ ग्रहण किए थे उसके बाद उन्होंने पहली मांग यही रखी सुजानगढ़ को जिला बनाए, और अभी भी लाडनू में भी यही मांग रखी है। तो हम सभी प्रयत्नरत हैं, तो मैं जनता से यही कहूंगी कि आप सब्र रखें, सब्र का फल मीठा होता है। जैसे जी, अंतिम सवाल है मेरा आपसे, कोर कमेटी के लिए आदेश दिया राठौड़ साहब ने कि छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को मिला करके आप एक कोर कमेटी बनाए, हर मुद्दे पर उसका फैसला ले जिससे कार्यकर्ता नाराज न हो। कौन से कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा, या कोई पद दिए हुए हैं जैसे जिला महामंत्री है, कोई मंडल अध्यक्ष है, उनको शामिल करेंगे, या वास्तविक तौर पर कार्यकर्ताओं की पहचान करने के बाद में उनको शामिल किया जाएगा? देखिए, ये सब निर्णय संगठन के होते हैं, भाजपा के जो भी शीर्ष नेतृत्व हैं और संगठन का कार्य है, तो इसके बारे में मैं कुछ भी बोलूंगी तो वो अतिशयोक्ति हो जाएगी, कुछ ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए ये कार्य संगठन का है और संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष जी, हमारी पूरी कार्यकारिणी की टीम और पूरे सुजानगढ़ विधानसभा के लोग, जितने भी जो भी सक्रिय कार्यकर्ता है, उन सभी को इस कोर मीटिंग में सम्मिलित किया जाए। मैं रमाकांत दाबीच आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, आपने समय दिया, इसके हम आभारी रहेंगे। बड़ी दबंग आवाज आप देखते रहिए।